हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8वीं की अंग्रेजी सामान्य की वर्कशीट जो कि मार्च 2021 की है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप अपना नाम लिखोगे। यहाँ पे विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, आपके पिताजी का नाम लिखोगे, शाला का नाम मतलब आप आपके स्कूल का नाम लिखोगे, आप कक्षा लिख दोगे 8वीं। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं, वर्कशीट प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट एनी 5। कोई से भी 5 आपको लिखने हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए कोई 5। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, ए डैम। ए डैम मतलब, डैम मतलब होता है बांध। तो बांध क्या होता है, ऑप्शन दे रखे, रिवर, अ बिग वॉल अक्रॉस ए रिवर, ए पॉन्ड, ए वेल। तो यहाँ पे आंसर आएगा ए बिग वॉल अक्रॉस ए रिवर। ठीक है, ए बिग वॉल अक्रॉस ए रिवर, बी जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो आएगा। सेकंड बी वाला है, कान्हा किसली इज इन। तो कान्हा किसली कहाँ है, यहाँ ऑप्शन में दे रखी है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड। तो इसका उत्तर आएगा सेकंड वाला, मध्य प्रदेश। इन द लेसन मिस्योर फॉर मिस्योर्स राजा वर्मा वाज ए गुड। तो राजा वर्मा क्या थे, कुक, आर्टिस्ट, टीचर, स्टूडेंट। तो यहाँ पे आएगा आर्टिस्ट। ठीक है, आर्टिस्ट, ए आर टी आई एस टी, आर्टिस्ट आंसर आएगा। अब इसमें जो डी वाला है, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर हाई। हाई के लिए राइमिंग वर्ड लिखना है, तो वो होगा फ्लाई, फ्लाई थर्ड वाला। ठीक है, इसके आगे है ई वाला, सर्कल द नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट। तो इन, यहाँ जो वर्ड्स दे रखे हैं, इनमें जो नाउन है, जो संज्ञा है, उस पर हमें सर्कल बनाना था और उसे नीचे लिखना था। तो यहाँ जो इन सब शब्दों में जो है टीथ जो है नाउन है, तो हमने यहाँ लिख दिया है, क्योंकि प्लेट जो है वर्ब है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, इजी भी एडजेक्टिव है, हैवी एडजेक्टिव है, और एंड है यहाँ पे, तो टीथ जो है टीथ नाउन है। ठीक है, अगला जो है, राइट द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ इजी। तो इजी की कंपेरेटिव डिग्री हो जाएगी इजियर। ठीक है, इजियर। जी वाला है, राइट द अपोजिट जेंडर फॉर द वर्ड मैडम। मैडम का अपोजिट जेंडर क्या होगा, तो मैन, बॉय, सर, एक्टर। तो यहाँ पे हो जाएगा सर, और यहाँ में लिखना भी है सर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ कॉलम ए विथ देयर एंटोनिम्स इन कॉलम बी, विपरीत शब्दों की जोड़ी मिलाए। तो विपरीत शब्दों की जोड़ी बनानी थी यहाँ पे, तो यहाँ लाइट का हो जाएगा हैवी, लाइट मतलब हल्का। ठीक है, यहाँ ए में दे रखे, लाइट मतलब हल्का, फॉल मतलब गिरना, स्लिप सोना, इमेजिनरी काल्पनिक, क्लोज करीब। ठीक है, बी में दे रखे, राइज ऊपर उठना, उठना, फॉर दूर, रियल वास्तविक, अवाक उठना, हैवी भारी। तो यहाँ पे लाइट हल्का का मिला देंगे हम हैवी से भारी, फॉल गिरना, राइज उठना, स्लिप सोना, और अवॉक मतलब उठना, नींद से जागना, इमेजिनरी काल्पनिक, इसको हम मिलाएंगे रियल वास्तविक, क्लोज का हो जाएगा फॉर। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, डू एज डायरेक्टेड एनी 5, निर्देश अनुसार पूर्ण कर लिखिए कोई 5। तो इसमें जो ए वाला है, मोहन प्लेस टेनिस, चेंज इंटू ए नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य बनाए। तो मोहन प्लेस टेनिस जो है प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है। तो इस प्रकार के टेंस में जब नेगेटिव बनाते हैं तो डू या डस का यूज होता है, क्योंकि यहाँ वर्ब में एस का यूज हुआ है, एस लगा है यहाँ पर, तो यहाँ पर डस का यूज होगा। नेगेटिव बनाएंगे या इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो हमें नेगेटिव बनाना, तो इसका हो जाएगा मोहन डज नॉट प्ले टेनिस। उसी प्रकार अगला जो है, अशोक विल गो टू मार्केट टूडे, चेंज इंटू एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य बनाए। तो इसका हो जाएगा, अशोक विल है, विल हेल्पिंग वर्ब है, ये आगे आ जाएगी, विल अशोक गो टू मार्केट टूडे, क्वेश्चन मार्क। अगला है इसका ई वाला, सी वाला, ही इज स्लो, ही इज श्योर टू विन, कॉम्बाइन द सेंटेंस यूजिंग बट। बट का प्रयोग कर वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ही इज स्लो बट ही इज श्योर टू विन। ठीक है, बट जो है बीच में लग जाएगा, इससे वाक्य जुड़ जाएंगे। अगला जो टी वाला है, आई हैव बीन सफरिंग। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे, इन तीन में से कोई सा एक चूज करना था, टू और फ्रॉम, फीवर सिंस लास्ट नाइट। टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन एंड राइट, सही संबंध बोधक शब्द राइट का निशान लगाकर पूरा वाक्य लिखे। तो यहाँ पे फ्रॉम आ जाएगा,
आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, फ्रॉम, अब ये जो है राइट, द प्लूरल फॉर्म ऑफ टीथ, टीथ का जो प्लूरल है वो हो जाएगा टीथ, टी डबल ई टी एच, टीथ, बहुवचन इसका हो जाएगा टीथ। अब एफ वाला है राइट, द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले, तो प्ले का सेकेंड फॉर्म होगा प्लेट, इसका थर्ड फॉर्म भी प्लेट ही होगा। जी है, ही लिव्स इन स्मॉल विलेज, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए एंड द, ए एंड द का प्रयोग कर वाक्य पूरा करें, तो यहाँ पे आ जाएगा ए, ही लिव्स इन ए स्मॉल विलेज। क्वेश्चन नंबर फोर है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एनी फाइव, क्रिया का उचित रूप लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, कोई पांच, तो दे आर नो स्ट्रीट लाइट्स इन अवर कॉलोनी, इज या आर, तो यहाँ पे आएगा आर, देयर आर नो स्ट्रीट लाइट्स इन अवर कॉलोनी। बी है, मिस्टर दास इन दिस स्कूल टीच या टीस, तो यहाँ आ जाएगा टीस, मिस्टर दास टीस इन दिस स्कूल, मिस्टर दास इस स्कूल में पढ़ाते हैं, प्रेजेंट टेंस का, इसमें टीस आएगा। सी है, विजय टोल्ड अ लाई सो शी हिम पनिश या पनिश्ड, तो यहाँ आएगा पनिश्ड, क्योंकि यहाँ टोल्ड है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा, आया है, तो यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म की वर्ब आएगी, तो पनिश्ड आएगा। डी वाला है, हिज क्लोथ्स आर क्लीन ही देम यस्टरडे, वॉश्ड या वॉश्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा वॉश्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। हिज क्लोथ्स आर क्लीन, ही वॉश्ड देम यस्टरडे। ई वाला है, यक्षा हाईली प्लीज्ड, वेयर या वास, तो इसमें आएगा वास, क्योंकि यक्षा जो है सिंगुलर है, ठीक है, तो इसके साथ वास आएगा। एफ ए, ही इज फुटबॉल प्ले या प्लेइंग, तो ही इज कंटिन्यूस टेंस की वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूस टेंस की, तो कंटिन्यूस टेंस में वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल होगा। फिर जी है, आई माय मदर लव्स या लव, तो आई लव माई मदर, ठीक है, इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर फाइव है, हियर इज अ रेलवे टिकट फॉर यू, रीड इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, नीचे दिए गए रेलवे टिकट को ध्यान से देखिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, तो यहाँ रेलवे टिकट जो दे रखा है उसे आपको ध्यान से देखना है और फिर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर ए वाला, हाउ मेनी पीपुल ट्रेवल्ड ऑन दिस टिकट, इस टिकट से कितने लोग ट्रेवल कर सकते हैं, तो यहाँ पे दे रखा एडल्ट, यहाँ पे दे रखा एडल्ट चाइल्ड, तो यहाँ एडल्ट में दे रखा वन, मतलब एक ही व्यक्ति इससे ट्रेवल कर सकता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वन। वाट इज द फेयर, फेयर मतलब किराया क्या है, तो यहाँ पे किराया भी दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है यहाँ पे 1278 और लिखा भी है आरएस रुपए 1278 ओनली, तो हम भी लिख देंगे 1278 ओनली आप, या फिर 1278 ऐसे भी लिख सकते हो। फिर व्हाट इज द नंबर ऑफ टिकट, टिकट का नंबर क्या है, तो टिकट का नंबर यहाँ दे रखा है, टिकट नंबर, टिकट नंबर दोनों यहाँ हिंदी में इंग्लिश में पूरा टिकट नंबर ही है 0532317 और नीचे भी ये ही लिखा है, ठीक है, तो ये इसका टिकट नंबर है जो हमने यहाँ लिख दिया है 0532317। उसके बाद वेयर डज डू ही दे बोर्ड द ट्रेन, ठीक है, बोर्ड मतलब चढ़ना, ट्रेन में कहाँ से चढ़े हैं, ठीक है, ही दे या जो भी ट्रेवल कर रहे हैं वो ट्रेन में कहाँ से चढ़े हैं, तो ये जो ट्रेवल ट्रेन जो है ये भोपाल से लखनऊ जा रही है, तो ये ट्रेन में चढ़ेंगे भोपाल से जो कि लखनऊ जा रही है, तो हम लिखेंगे यहाँ भोपाल। और विच प्लेस वाज वेयर ही दे गोइंग, और वो कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर में आ जाएगा लखनऊ, ठीक है, यह हम इसमें से टिकट में से देख के भी बता सकते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया है। अगला जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है, रीड द फर्स्ट स्टेंजा पोयम द मून एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, द मून कविता का पहला स्टेंजा पढ़े और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे, व्हाट इज द फेस ऑफ द मून लाइक, ठीक है, तो इसका आंसर होगा द फेस ऑफ द मून लाइक ए क्लॉक, ठीक है, द फेस ऑफ द मून लाइक ए क्लॉक, सी एल ओ सी के क्लॉक। फिर अगला जो है, गिव टू राइमिंग वर्ड इच फॉर, ठीक है, प्रत्येक के लिए दो राइमिंग वर्ड हमें लिखने हैं, हॉल का लिख देंगे वॉल बॉल, ठीक है, डब्ल्यू ए डबल एल वॉल, बी ए डबल एल बॉल, नून का हो जाएगा एम डबल ओ एन मून, बी डबल ओ एन बून, ठीक है, माउस का हो जाएगा हाउस एच ओ यू एस सी हाउस, एस पी आर ओ यू एस सी स्प्राउस, तो इस प्रकार हमने इनके राइमिंग वर्ड लिख दिए हैं।
अब अगला जो क्वेश्चन नंबर 7 है वह है प्रोजेक्ट वर्क है। द वर्ड्स गिवन इन द टेबल आर मिस स्पेल्ड, गलत स्पेलिंग है, राइट द करेक्ट स्पेलिंग, राइट स्पेलिंग लिखनी है एंड मीनिंग ऑफ द वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी की सहायता से या फिर पेरेंट्स, एल्डर ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड की सहायता से हमें उनके अर्थ भी लिखने हैं। तो नीचे दी गई तालिका में दिए गए शब्दों की स्पेलिंग सही नहीं है, उनके सही स्पेलिंग व अर्थ शब्दकोश, माता पिता, बड़े भाई बहन, मित्रों की सहायता से लिखे। तो यहाँ पे मिस स्पेल्ड वर्ड यहाँ दे रखे हैं, इसको करेक्ट हमने करके लिखा है। स्ट्रिक तो हो जाएगा स्ट्रिक्ट, STRICT, स्ट्रिक्ट, और मीनिंग हो जाएगा उसका कठोर। मिशन यहाँ पे हो जाएगा MISSION, मिशन, विशेष कार्य। अगला इंटरेस्टिंग, INTERESTING, इंटरेस्टिंग, रुचिकर। इंस्पायर INSPIRE, इंस्पायर, प्रेरित। इंटायर ENTIRE, इंटायर मतलब संपूर्ण। तो इस प्रकार हमने इनके अर्थ लिख दिए हैं। अगला इसका जो सेक्शन बी है, रीड द क्लोज गिवन बिलो द सर्कल द वर्ड गिवन इन द पजल एंड आल्सो राइट देम, क्लोज को पढ़कर पजल में दिए गए शब्दों पर गोला लगाकर लिखे। तो यहाँ पीछे एक पजल दे रखी है और उसके लिए यहाँ पर क्लोज मतलब कुछ हमें पॉइंट दे रखे हैं जिसके आधार पर हमें उसे पूरा करना है। वेयर द थिंग्स आर सोल्ड, जहां पर चीजें बेची जाती है, तो वो हो जाएगा मार्केट। ए बैग ऑफ थिन रबर डेट बिकम लॉन्गर एंड राउंडर वेन फिल्ड विथ एयर, तो ये हो जाएगा बलून। ए व्हीकल विथ टू आर फोर व्हील्स पुल्ड बाय हॉर्स, तो ये हो जाएगा कार्ट। ए थ्रेड यूज्ड टू टाई द बलून, ये हो जाएगा स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग। और जो 5 नंबर पे दे रखा, यू हैव इट ड्यूरिंग द डे व्हेन यू आर हंग्री, ठीक है। तो इस प्रकार का हमारी बुक में नहीं है, आपकी बुक में नहीं है इंग्लिश की, और इसकी जगह बुक में है स्पेस अबाउट द अर्थ डेट यू सी व्हेन यू लुक अप, तो और उसका यहाँ पे होगा स्काई, ठीक है, यहाँ पे होना था स्काई। और यहाँ जो ये वाला जो ये जो सेंटेंस दे रखा है, इससे संबंधित कोई वर्ड पजल में नहीं बन रहा है, ठीक है। हमारी बुक में भी दूसरा दे रखा है जिसमें आना था स्काई। तो अब हम पजल देख लेते हैं बच्चों, ये है पजल और हमने बुक के अनुसार नंबर 5 पे स्काई कर दिया है, आप अपने अनुसार कर सकते हो, ठीक है। तो पहला जो है वो है मार्केट, बलून, कार्ट, स्ट्रिंग और स्काई जो हमने करा है बुक के अनुसार। तो यहाँ पे मार्केट है, ठीक है, ये है मार्केट यहाँ पर, ठीक है, मार्केट। और उसके बाद नंबर 2 पे बलून, ये बलून बनेगा यहाँ पर, ठीक है, बलून। फिर तीसरे नंबर पे कार्ट बनेगा यहाँ, ठीक है, ये कार्ट है। फिर स्ट्रिंग, तो यहाँ स्ट्रिंग बन जाएगा, ये STRING, स्ट्रिंग बनेगा यहाँ पर। और फिफ्थ नंबर पे बुक के अनुसार यहाँ स्काई बनना चाहिए, और यहाँ जो दे रखा उसके अनुसार, पजल के अनुसार यहाँ कुछ नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं मिलेगा हमें उसका। तो ठीक है, इस प्रकार यह प्रोजेक्ट कार्य हो चुका है। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।